हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपका प्यारा चैनल एकेडी आर्ट में। दोस्तों, पहला बात यह है कि मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैनल का थ्रू मैं आप सबको बहुत कुछ चीज़ें देना चाहता हूँ, बस आपका साथ का ज़रूरत है। इसमें मैं आपको मेरा स्टूडेंट्स का ड्राइंग दिखाऊंगा। मैं ट्राई करता हूं कि मेरा जितना भी टैलेंट है, जो भी मैं जानता हूं, वो सब आपके संग शेयर करूं। तो ये सब चीज़ संभव तभी होगा जब आप मेरे साथ देंगे, और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे साथ दे रहे हैं। तो इस चैनल के थ्रू मैं हर दिन एक एक टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इसी तरह मैं पहले ड्राइंग एंड पेंटिंग क्या होता है उसका ऊपर हम डिस्कस किए थे। तो इसी प्रकार मन का ताकत बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी हम डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिक्चर में लाइट एंड शैडो, ये दोनों चीज़ों का कितना इम्पोर्टेंस रहता है। क्योंकि प्रकृति में हम लोग कुछ भी देखते हैं, तो उसमें अगर लाइट एंड शैडो, ये दोनों चीज़ों का बैलेंस नहीं होगा, तो हम लोग उस पिक्चर को अच्छी तरीके से देख नहीं पाएंगे, उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए लाइट एंड शैडो रहना बहुत ज़रूरी है। और लाइट एंड शैडो वो होता क्या है ना, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में जिस तरफ से लाइट आ रहा है, तो उस साइड में हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस रहता है, तो वो ब्राइटनेस को बोलते हैं लाइट। एंड उसी चीज़ का ऑपोजिट में बहुत ज़्यादा डार्क एरिया रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं डार्क, मतलब शैडो। तो ये लाइट एंड शैडो, ये दो टोन और उसका बीच में जो भी ग्रेडेशन आता है, उस चीज़ को हम लोग टोन, मतलब मीडियम टोन बोला जाता है। तो एक हाई टोन, मीडियम टोन एंड डार्क टोन, ये तीनों टोन मिला के एक पिक्चर को हम लोग 3D का आकार दे सकते हैं और उसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये टिप्स आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसमें बहुत सारा चीज सीखे हैं। तो इसी का संग चलिए आज भी देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स का आर्ट वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं एकेडी आर्ट का ये प्रेजेंटेशन। क्योंकि ड्राइंग में अगर बनना है स्मार्ट, तो आपको देखते रहना चाहिए एकेडी आर्ट। आप सबको वेलकम।